स्पर्श आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव में आपके साथ नितिन गर्ग। मेरे साथ इस समय पूर्व विधायक मावी अली मौजूद हैं। निकाय चुनाव नज़दीक है, इसको लेकर हम उनसे चर्चा करते हैं किस तरह से वो चुनाव लड़ रहे हैं और सामान्य सीट ये देवबंद नगर पालिका की हो चुकी है और वो किसको चुनाव लड़ाने जा रहे हैं। जी मावी साहब आपका स्वागत है, धन्यवाद। कौन होगा आपकी तरफ से उम्मीदवार? समाजवादी पार्टी की तरफ से जो है हम प्रत्याशी हैं और हैदर की माँ मेरी पत्नी जो है वो चुनाव लड़ेंगे नगर पालिका परिषद देवबंद का। और विकास के नाम पे हमारा जो है वोट मांगने का पहले भी रहा और अभी भी विकास के नाम पे वोट मांगेंगे। पहले 5 साल मैं और मेरी पत्नी चेयरमैन हैं, हमने देवबंद का विकास किया। माँ त्रिपुर बाला सुंदरी देवी का मंदिर की रोड रही हो, चाहे भायला रोड रही हो, चाहे रेलवे रोड रही हो, देवबंद के अंदर जो भी विकास हो सका या शेखरुनी रोड हो, सब पे जो है हमने बिना इस चीज़ के कौन किस बिरादरी का है, किस धर्म जाति का है, देवबंद का विकास किया। तो अब आगे क्या प्लान है, आपने प्लान बनाया और किस तरह से अब क्या क्या योजना है? विकास और सिर्फ विकास के नाम पे वोट है। हम किसी की बुराई करके के फला आदमी ने ये किया ये कह के वोट नहीं मांगना चाहते। हमने क्या किया वो देवबंद वालों को पता है और हम क्या कर सकते हैं वो भी देवबंद वालों को पता है। ये चुनाव जो है वो विकास के लिए है। देवबंद में जो है जो सड़कें जर्जर हो गई, जो सड़कें टूट गई, जो सड़कें हमने बनाई थी, जो फुटपाथ डिवाइडर बनाए थे या जो लाइटें लगाई थी, वो उन चीज़ों की मरम्मत भी दोबारा इस 5 साल में नहीं हो सकी, तो हमें विकास के नाम पे वोट मांगना है। अब आज भी आपको समर्थन मिल रहा है, ज़बरदस्त समर्थन मिल रहा है, क्या कहेंगे इस बारे में? देवबंद के लोग बहुत समझदार लोग हैं, वो हमेशा विकास के नाम पर वोट देते हैं। मुझे इस बात का पता है कि इंशाल्लाह इस बार भी लोग जो हैं वो विकास को चुनेंगे, विकास को पसंद। विधानसभा चुनाव में आपको टिकट नहीं मिल पाया था, क्या करें? ये पार्टी का निर्णय होता है, पार्टी ने जो भी निर्णय उस समय लिया था वो उनका निर्णय ठीक था और पार्टी हाईकमान का निर्णय कभी भी गलत नहीं होता। टिकट नहीं मिला ये ज़रूरी नहीं कि टिकट मिले, मैं चुनाव लड़ूँ, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ जो हमेशा रहूँगा। तो मेरे साथ पूर्व विधायक मावी अली थे, अब उन्होंने निर्णय लिया है कि उनकी पत्नी इस बार नगर पालिका अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ेगी। उनका कहना है कि हमने 5 साल तक पहले भी विकास किया था, बिना किसी भेदभाव के विकास किया था और अब अगर जनता ने हमें मौका दिया तो अब भी हम जनता का विकास करेंगे। देवबंद से नितिन गर्ग, पब्लिक।